Hello, bacho. How are you? This is Atul Sinha, MSc, LLB, BA, and 20-year vast experience in teaching top institution of Delhi in different segments, that is for civil services, for CDS, CAPF, AFCAT, NDA, State Public Service Commission, as well as SSC and banking. बच्चों कोई भी इंस्टीट्यूशन टॉप इंस्टीट्यूशन नहीं होगा जहां पे हमने पिछले 20 ईयर से टीच ना किया हो. जितने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, लगभग एक साथ मैं 7-8 इंस्टीट्यूशन में हर जगह जुड़ा रहा हूं. और जैसे डॉक्टर और टीचर का प्रोफेशन है कि अलग अलग टाइम में साइन होता है, उसी तरह अलग अलग टाइम में साइन करके. और मेरा मूवमेंट हफ्ते में एक बार कहीं दिल्ली के सेंट्रल दिल्ली, कभी साउथ दिल्ली, कभी नॉर्थ दिल्ली, मोस्ट ऑफ द पार्ट I am busy in the Mukherjee Nagar top institutions, जिसमें हमने civil services के काफी अच्छे-अच्छे institution में पढ़ा है. So many students have been qualified. और आपको पता भी नहीं होगा, जबकि मैं civil services की तैयारी कर रहा था, mains लिख रहा था, in between मैं geography की class अपने friends को देता था, और सब different topic पे तो हम लोग का रात-रात भर that is quiz contest चलता था. It was a regular feature 20 years back. Now पिछले 20 साल से फिर हमने एंड दैट इज डिस्पाइट द फैक्ट आई वाज एलएलबी एंड रजिस्टर प्रैक्टिशनर था, फिर मैंने बाद में उसको छोड़ के फिर मैंने क्या किया कि बीएड किया. कि नो, जब टीचिंग प्रोफेशन में जाना है तो बीएड करना जरूरी है. एंड देन आफ्टर आई हैव टॉट इन द टॉप इंस्टीट्यूशन फॉर द टीचर्स ट्रेनिंग एज वेल, सेंट्रल स्कूल के, केंद्रीय विद्यालय के टीचर के लिए, डीएसएसबी के लिए, सीटेट के लिए, स्पेसिफिकली साइको जो सबसे टफ चैप्टर होता है, टॉपिक होता है, उसको मैंने 30 में 30 और 30 में 28 29 बच्चों को आया है. इस तरह का परफॉर्मेंस हमने दिया है बच्चों. पिछले 5 साल से मैं कैवेलियर इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ, और उसके बाद मैं पिछले साल भर से बालनोई में भी पढ़ा रहा हूँ. नाउ फ्रॉम द जून इटसेल्फ, दैट इज मिड ऑफ द May, I have joined this esteemed organization that is an academy जो पूरे इंडिया में धूम मचा रहा है और अब पूरे वर्ल्ड फेम का अब इंस्टीट्यूशन होने जा रहा है. बच्चों मेरा पहला रिजल्ट होगा जब एनडीए का ये एग्जाम आएगा ऑन अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे, जिसमें आउट ऑफ 50 क्वेश्चन आई हैव एनेबल्ड द चिल्ड्रेन टू डू 45 क्वेश्चन इंस्टेंटली फ्रॉम माय कॉपी. तो 50 में से 45 क्वेश्चन तो बच्चों हमारे कॉपी से है जो मैंने बच्चों को पढ़ाया है. और ये कहीं पे भी कोई इसमें एग्जैगरेशन नहीं हो सकता, क्योंकि दिस इज ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड. तो मैं एडवोकेट भी हूँ और मेरे को पता है लॉ की भी जानकारी मैं रखता हूँ. तो ये तो सारा कुछ अब सॉलिडिफाइड हो गया है, अब सब कुछ ऑनलाइन है. अब अगर आप एडमिशन पाएंगे, अतुल सिन्हा मेरा रेफरल कोड है बच्चों, 10% का डिस्काउंट आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे मिलेगा. 10% का डिस्काउंट पाइए और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आइए. मैंने कल एक बहुत ही लंबा दैट इज 135 लेक्चर का एक बैच लॉन्च किया है, एब्सोल्यूट कोर्स ऑन जनरल साइंस एनडीए 2021. एब्सोल्यूट कोर्स ऑन जनरल साइंस एनडीए 2021 की खासियत यह है कि इसमें फिजिक्स की पहली क्लास 15 दिन लगातार चलेगी, फिर केमिस्ट्री चलेगी, फिर बायो चलेगी 15-15 डेज, देन आफ्टर 10-10 डेज का स्लॉट होगा एंड इट विल एंड बाय द 31st of Jan 2021. तो इस तरह से 21 का जो अप्रैल महीने में एग्जाम होगा उसकी 135 लेक्चर मैं प्लस पे दूंगा, अलोंगसाइड 140 से 150 मैं स्पेशल क्लास दूंगा, क्योंकि रोज स्पेशल क्लास कराता हूं मैं बच्चों, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दैट इज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सभी डिस्कस होते हैं. और जितना मेरा एक्सपीरियंस है, और मैंने तो न्यूमेरिकल वीक तक इलेक्ट्रिसिटी का जो न्यूमेरिकल इस बार आया है दैट इज इन माई कॉपी, और आप चेक कर सकते हैं. तो इस तरह से सीडीएस सीएपीएफ के लिए कुछ पूछना ही नहीं है. जब मुखर्जी नगरी में मैं टीचिंग करता हूँ, बच्चे कहते हैं प्रीवियस ईयर करने का दिखाने का जरूरत ही नहीं है सर आपको, क्योंकि आपके लेक्चर से सारे क्वेश्चन है. तो दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर. अगर आपको फैसिलिटेटर चाहिए, नॉट एडुकेटर, आई से फैसिलिटेटर बिकॉज ऑफ द फैक्ट हम फैसिलिटेटर ही है आज के डेट में जो दैट इज मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में.
स्टूडेंट्स दैट इज सेंट्रल प्लेस पे है, टीचर बैकग्राउंड में है, टीचर आपको फैसिलिटेट करेगा ताकि आप इनेबल हो सके एसएसबी क्लियर करने के लिए। और मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही है बच्चों, ये तो मेरा एब्सोल्यूट कोर्स ऑफ जनरल साइंस एनडीए 2021 है, ये कल से लॉन्च हुआ है। उसके पहले 10 अगस्त से मैं सीडीएस सीएपीएफ एफकैट के लिए एक बैच लॉन्च किया हूँ, जिसमें 100 लेक्चर में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एज वेल एज इकोनॉमिक्स, और उसका जो स्पेशल क्लास है वो रोज 9 बजे रात में, आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, 9 बजे आइए। बायलिंगुअल बैच है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाई हो रही है, एंड मैं तो खुद ही बिहार से बिलोंग करता हूँ, मेरी पढ़ाई हुई है छपरा राजेंद्र कॉलेज से एमएससी एलएलबी बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर, एंड देन आफ्टर आई डिड माई बीएड फ्रॉम द पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर, इलाहाबाद में हमारा कॉलेज था। तो हिंदी हॉटलाइन से बिलोंग करता हूँ और हिंदी मेरे को बहुत अच्छी आती है, कमांड है, यूपीएससी में मेरा एक प्रोफेशनल पेपर भी रहा है। तो जब आप मिलेंगे हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स सभी सब्जेक्ट का मेरे को सिविल सर्विसेज के लेवल पे वास्ट एक्सपीरियंस है, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए आपको मैं कभी भी कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। मेरा फॉर्म बिलीप है कि आप दैट इज मेरा एब्सोल्यूट कोर्स ऑफ जनरल साइंस 2021 ज्वाइन कीजिए अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। अतुल सिन्हा मेरा दैट इज रेफरल कोड है, इसका इस्तेमाल कीजिए, 10% डिस्काउंट पाइए इसमें। उसके अलावा एक और एनडीए का बैच है अगस्त बैच में अभी लॉन्च हुआ है, आज ही लॉन्च हुआ है, पब्लिश हो गया, आप इसको देख सकते हैं, लेकिन इसमें मेरी क्लास मिलेगी आपको 1 फरवरी से, फर्स्ट ऑफ फेब से 31st मार्च, जिसमें आपको मैं केमिस्ट्री और बायो टीच करूंगा। फिर बाकी मेरी पूरी टीम है जो पढ़ा रही है, उसमें बाकी सब क्लास हो रहे हैं, पैरेलल में मेरा ये एब्सोल्यूट कोर्स चल ही रहा है, एब्सोल्यूट कोर्स ऑन जनरल साइंस 2021 अतुल सिन्हा दैट इज रेफरल कोड। इसके अलावा मैं जो बता रहा हूँ, मेरा जो सीडीएस सीएपीएफ का बैच चल रहा है 10 अगस्त से, उसका नाम है लक्ष्य के नाम से है, वो 10:15 पर डेली क्लास होती है और उसका स्पेशल क्लास चलता है दैट इज 9 PM। तो बच्चों आपसे मैं सजेस्ट कर सकता हूं कि इसका अगर आपको ट्रेलर देखना है तो आप 3:30 बजे 3:30 PM aspirants मेरा एनडीए का बैच होता है, स्पेशल क्लास जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ऑल इंडिया टेलीकास्ट होता है, ऑल वर्ल्ड टेलीकास्ट होगा, और साथ ही साथ अगर आप 9 बजे देखना है इकोनॉमिक्स की क्लास, आइए देखिए एंड डू ज्वाइन। और आपको मैं कंफर्म करता हूं कि अगर आपको फाइनल सिलेक्शन पाना है तो इट विल हेल्प फॉर द SSB 2, कोई दिखावा नहीं, कोई एग्जरेशन नहीं, ना मेरे पास कोई ज्यादा चालाकी आती है, मैं टू द पॉइंट पढ़ाता हूं और क्वेश्चन आएंगे, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना कैच कर पाते हैं, कितना रिटेन कर पाते हैं, कितना उसको रख पाते हैं और जाके एग्जाम में प्रोड्यूस कर पाते हैं, दीज आर थिंग फार मोर इम्पोर्टेंट। इसीलिए मैं ज्यादा पढ़ा चढ़ा के कोई बात नहीं करता, मैं बता रहा हूँ कि मेरे क्वेश्चन आए हैं, मेरे बच्चों ने किया है कि नहीं, इट इज वेरी डाउटफुल, मैं ये नहीं कर सकता कि हाँ सभी बच्चों ने 45 के 45 कर ही लिया होगा, क्योंकि आप उतना सीरियस ले नहीं रहे मेरी बातों को। अगर आप सीरियस लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आप बेनिफिटेड होंगे। फाइनल एग्जाम क्रैक करना बेटा ज्यादा महत्वपूर्ण है SSB, और कोई चमक दमक नहीं, वहां पे आपकी पर्सनालिटी बोलेगी, जो मैं पढ़ाऊंगा वो मेरा वर्डिंग बोलेगा, और बच्चे कब ही रहे, तो आप ही के डिमांड पे ये कोर्स है, तो डू ज्वाइन बच्चों, और जय हिंद, दैट इज सी यू।